नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बीपीएससी में सबसे अच्छी रैंक लाकर डीएसपी बनने वाले अधिकारियों के कार्य और वेतन के बारे में। बिहार में बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इसमें सबसे अच्छा रैंक लाने वाले को डीएसपी बनाया जाता है। इसी परीक्षा से बीडीओ और सीओ भी बनते हैं। पुलिस विभाग में नौकरी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस विभाग से संबंधित सभी चीजों का प्रबंधन करना पड़ता है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को समाज में उचित सम्मान भी मिलता है। पुलिस अधिकारी बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत और समर्पित प्रयास की जरूरत होती है। जब आप अधिकारी बन जाते हैं तो पद की जिम्मेवारी के साथ साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अधिकारी के लिए कोई निश्चित कार्य नहीं होता, क्योंकि पुलिस अधिकारी को हर समय ड्यूटी पर रहना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। अपने क्षेत्र का डीएसपी कानून की व्यवस्था के मामले में पुलिस के कार्यों का नेतृत्व करता है। उन्हें यह देखना होता है कि उनके क्षेत्र में कोई आपराधिक गतिविधियां ना हो और नागरिक शांति एवं सद्भाव के साथ रहें। यदि डीएसपी को एक संवेदनशील क्षेत्र में पोस्टिंग मिलती है तो ऐसी स्थिति में उसे बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां सबसे ज्यादा होती है। अब तक हमने जाना डीएसपी के कार्यों के बारे में, अब हम जानते हैं डीएसपी को कितना मिलता है वेतन। डीएसपी का कार्य जितना जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्वक होता है, उनका वेतन भी उतना ही आकर्षक होता है। उन्हें वेतन के साथ ही अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। एक डीएसपी का वेतन 9300 से 34800 ग्रेड पे 5400 के साथ वेतन मिलता है। इनके साथ ही इन्हें कई अन्य लाभ भी मिलता है। बिना किसी कीमत पर या मामूली किराए पर स्वयं और कर्मचारियों के लिए निवास की सुविधा उन्हें दी जाती है। सुरक्षा गार्ड और घरेलू नौकर जैसे रसोईया और माली ड्राइवर के साथ ही एक आधिकारिक वाहन भी उन्हें दिया जाता है। इसके साथ ही एक टेलीफोन कनेक्शन जिसका बिल राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। इसके बाद बिजली बिल के बिलों का भुगतान बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आधिकारिक यात्राओं के दौरान उच्च श्रेणी का आवास भी इन्हें मुहैया कराई जाती है। अगर ये पढ़ाई के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं तो इसका भी खर्च बिहार सरकार अपने हिस्से से वहन करती है। इसके साथ ही पति या पत्नी को पेंशन की सुविधा मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं इनके प्रमोशन के बारे में। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विभागीय संवर्धन समिति के माध्यम से बीपीएससी द्वारा भर्ती किए गए पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति की जाती है। बीपीएससी में सबसे अच्छा रैंक लाने वाले को उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी बनाया जाता है। डीएसपी में प्रमोशन होता है तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी बनाया जाता है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी बनाया जाता है। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी बनाया जा सकता है। उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक यानी कि डीआईजीपी बनाया जाता है। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजीपी बनाया जाता है। इसके बाद जो सबसे आखिरी है वह पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनाया जाता है। राज्य में अपनी सेवाओं के दौरान बीपीएससी अपने पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति देता है। डीएसपी में पहली पदोन्नति 7 से 8 साल की सेवा के बाद मिलती है। इस पदोन्नति के बाद डीएसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी बन जाते हैं। इसके बाद 12 से 13 साल की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें एसपी या डीसीपी में पदोन्नति मिलता है। जो अधिकारी सीधा एसपी पद से चयन होकर आते हैं, इन पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी सीधा बना दिया जाता है। इसके बाद एसएसपी के संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड के अनुसार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यूपीसी की एक सूची भेजी जाती है। इसके बाद उन्हें आईपीएस बना सकते हैं। बीपीएससी से अधिकारी बने लोगों के पास उस शिखर तक पहुंचने की संभावना कम होती है। पदोन्नति की नीति ऐसी है कि उस ऊंचाई तक पहुंचने में अधिक समय की सेवा देनी होती है, और जब अधिकारियों के पास प्रमोशन का समय आता है तो उनकी नौकरी के कुछ ही साल बचे होते हैं। ऐसे में बीपीएससी में पुलिस अधिकारी को उनकी सेवा के दौरान आमतौर पर 2 या 3 प्रमोशन मिल पाता है। ऐसे ही और भी अधिकारियों के बारे में जानकारी के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।